ये STK प्लस IMT वर्जन है जहाँ से आपका पैनोरामिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पैनोरामिक का मजा यही वेरियंट से मिलेगा, वैली फॉर मनी भी यही रहता है। भैया तो इसका ऑन रोड प्राइस क्या आ जा रहा है धनबाद में? 17,77,000 ऑन रोड, ठीक है। दोस्तों आज मैं आया हुआ था किया की शोरूम में क्योंकि आज लॉन्च हो चुकी है हमारी किया की सेल्टॉस 2023 वर्जन फेसलिफ्ट। तो ये रहने वाली है ना वेरिएंट, ये आपको पेट्रोल के अंदर होने वाली है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। इसका नाम होने वाला है STK प्लस, ठीक है। तो भैया आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुन्ना पाटन हो गया, मैं सेल्स पर्सन हूँ, ठीक है। ये STK प्लस IMT वर्जन है जहाँ से आपका पैनोरामिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पैनोरामिक का मजा यही वेरिएंट से मिलेगा और वैल्यू फॉर मनी भी यही रहता। भैया तो इसका ऑन रोड प्राइस क्या आ जा रहा है धनबाद में? 17,77,000 ऑन रोड आ जाएगा, ठीक है। चलिए छोटू साहब को भैया से इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो अगर कोई भी क्वेरी रही ना तो मैं इनका नंबर डाल दूंगा। आप अगर धनबाद से हो या बोकारो से हो, जहाँ से भी हो, क्योंकि बोकारो में भी इनका आउटलेट है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर लेना। मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे की मिल जाता है देखने को, किया की सेल्टॉस की STK प्लस में। यहाँ पे बैकग्राउंड में मैट ब्लैक का टच देखने को मिल जा रहा है, किया की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है जो कि आपको सिल्वर सैटन के अंदर होने वाली है। बाकी यहाँ पे बटन्स का काम देखने को मिल जाता है, लॉक अनलॉक होल्ड और बूट रिलीज का जो होल्ड रहने वाला है। अगर आपकी गाड़ी न्यूट्रल में रहेगी तो आपको इंजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्रंट में भी आपको, फ्रंट प्रोफाइल की मैं बात करूँ ना, तो फ्रंट प्रोफाइल में क्या इसमें देखने को मिल रहा है, फ्रंट प्रोफाइल में सबसे पहले इसका ग्रिल का वर्क देखने को मिल जा रही होगी, जिसकी आपको फिनिशिंग है आपको मैट ब्लैक के अंदर देखने को मिल जा रही है। GT लाइन में ये जो हिस्सा है आपको फुल्ली आपको DRL का वर्क करेगा, लेकिन इस वेरिएंट में आपको DRL सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक देखने को मिल जा रहा है। इंडिकेटर की बल्ब की प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल जा रही है इस वेरिएंट में। साथ ही साथ इसके जो हेडलैम्प का काम देखने को मिल रहा ना, वो आपको प्रोजेक्टर लेंस के अंदर होने वाली है, और आउटस्कर्ट्स में इसके क्रोम की गार्निशिंग का काम भी देखने को मिल जा रहा है। और मैं बात करूँ इसके फॉग लैंप की, तो फॉग लैंप में भी आपको आउटस्कर्ट्स में ग्लॉसी ब्लैक का टच देखने को मिल जा रहा है, और गार्निशिंग का भी वर्क देखने को मिल जाता है जो कि क्रोम के अंदर होने वाली है। आपको स्कर्टिंग्स का वर्क जो देखने को मिल रहा है, ये आपको सिल्वर सैटन के अंदर होने वाली है। आपको रेडिएटर ग्रिल का भी काम देखने को मिल रहा है, और बोनेट के ऊपर यहाँ पे किया की बैजिंग देखने को मिल जाती है जो कि सिल्वर सैटन के अंदर होने वाली है। बोनेट में दोनों साइड यहाँ पे एयर पासिंग के लिए एरोडायनेमिक शेप में आपको डिज़ाइन करा गया है, जो कि काफ़ी एग्रेसिव लुक ये प्रोवाइड करवा दे रही है। तो ये कुछ फ्रंट का माहौल रहा। फ्रंट में कमी नहीं छोड़ी है सेफ्टी के मामले में। सेफ्टी में भी इस वेरिएंट में 4 पार्किंग सेंसर्स आगे भी देखने को मिल जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों साइड प्रोफाइल में चलते हैं। तो साइड प्रोफाइल में क्या ये लुक दे रही है ये देख लो। साइड प्रोफाइल में पहले वाला ही आपको अलॉय व्हील का डिज़ाइन देखने को मिल जा रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं कराया गया है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने मिल जाते हैं। और इसकी टायर प्रोफाइल की मैं बात करूँ ना, तो टायर प्रोफाइल इसका रहने वाला है 205/65 R16 inches का आपको यहाँ पे एलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे किया की भी यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाती है। व्हील आर्च में फुल्ली आपको ब्लैक आउट रखा गया है क्लैडिंग को, और यह जो डोर पैनल्स में क्लैडिंग है वो भी आपको ब्लैक आउट रखा गया है डोर गार्निशिंग के साथ में, जो कि क्रोम के अंदर होने वाली है। काफ़ी अच्छा सा लुक ये प्रेजेंट कर रही है। व्हील आर्च आपको बैक व्हील में भी देखने को मिलेगी, और रियर की जो व्हील है उसमें भी आपको डिस्क देखने को मिलेगा। इसका मतलब चारों व्हील में आपको डिस्क ब्रेक का काम देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। जो डोर हैंडल्स होने वाले हैं आपको सारे के सारे यहाँ पे बॉडी कलर के होने वाले हैं। ये एसेसरीज बेस्ड में आपको लगाया गया है, ये जो आप क्रोम का हैंडल देख रहे हो ये एसेसरीज में आपका लग जाएगा, ठीक है। फ्रंट में आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स देखने को मिल जा रहे हैं, और जो विंडोज़ की गार्निशिंग होती है वो भी आपको यहाँ पे क्रोम के अंदर होने वाली है। डोर वाइज़र भी आपको देखने को मिल जा रहा है। ए पिलर आपको फुल्ली ग्लॉसी ब्लैक रखा गया है, बाकी BNC आपको यहाँ पे ब्लैक आउट मैट ब्लैक रखा गया है। छोटा सा क्वार्टर पैनल का भी विंडो का काम देखने को मिल रहा है। रूफ रिल्स आपको सैटन सिल्वर के अंदर देखने को मिल रही है। डुअल टोन में आपको ब्लैक भी रखा गया है। और इस वेरिएंट से, जैसे कि उन्होंने भैया ने बताया कि इस वेरिएंट से आपको सनरूफ भी देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना भी देखने को मिल जा रही है। मैं तो कहूँगा जहाँ तक बाहर से हिसाब लग रहा है ये वैल्यू फॉर मनी है, जैसे कि मुन्ना भैया ने बताया था, ठीक है।
तो चलिए इसके रियर की प्रोफाइल में चलते हैं। तो रियर की प्रोफाइल में सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा इसके रियर की विंडो से। तो रियर की विंडो से आपको यहाँ पे डिफॉगर का काम देखने को मिल जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे वाइपर देखने को मिल जाती है। वाशर जेट आपको यहाँ पे हाइमोन स्टॉप लैम्प के अंदर ही पेस्ट करा गया है और ये बहुत बड़ा सा आपको हाइमोन स्टॉप लैम्प यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये जो स्पॉइलर रहने वाला है आपको उसके अंदर ही इंटीग्रेटेड करा गया है हाइमोन स्टॉप लैम्प को, और कुछ इस टाइप का आपको लुक ये प्रेजेंट कर देती है। पीछे से टेल लाइट की बात करूँ तो टेल लाइट आपको कॉम्बिनेशन फॉर्म में मिल रहे हैं। यहाँ पे आप इसके ब्रेक लाइट्स को चेक कर सकते हो, यहाँ पे इसके रिफ्लेक्टर को चेक कर सकते हो और रिवर्स का लाइट भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। रही बात इसकी सेल्टॉस की बैजिंग की, जो कि यहाँ पे प्लेस्ड करा गया है, और ये जो वेरिएंट रहने वाला है ये आपको TGDI रहने वाला है। उसकी बैजिंग भी ये यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये आपको एसेसरीज मोड में भी ये क्रोम का काम देखने को मिल रहा है। रियर की बात करूँ तो रियर में अभी आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जा रहे हैं। यहाँ पे टोइंग हुक की प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है और रियर की जो बम्पर स्कर्टिंग्स रहने वाली है वो आपको सिल्वर बेस रहने वाली है। उसके नीचे यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे एग्जॉस्ट टिप देखने को मिल रही है राइट साइड में। ठीक है, कुछ रहा बाहर से माहौल और चलिए इसके अंदर चलते हैं, और अंदर जाते ही आपको सब कुछ बताएंगे कि किस टाइप का आपको लुक ये प्रेजेंट कर रही है, कुशनिंग वर्क क्या है नहीं है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके डोर पैनल्स में। तो डोर पैनल आपको फुली ब्लैक्ड आउट रखा गया है, नो डुअल कलर नथिंग, ओनली ब्लैक्ड आउट रखा गया है। जो अनलॉकिंग लीवर रहने वाला है वो सिल्वर सेटम के अंदर होने वाली है। ट्विटर एंड स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रही है। 1 लीटर बोटल होल्डर का स्पेस देखने को मिल जा रहा है। बाकी आप इसके पावर विंडो का सेटअप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो आप इसके ORVM को। चलिए, डोर पैनल्स हो गया। स्कर्व प्लेट की बात करो तो स्कर्व प्लेट भी आपको यहाँ पे क्रोम के अंदर होने वाली है। चलिए इसके अंदर चलते हैं, और अंदर जाने से पहले इसमें आपको क्या क्या एडजस्टमेंट का लीवर देखने को मिल जा रहा है। हाइट एंड रिक्लाइन दोनों आपको लीवर देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक है, और मैट भी आप एसेसरीज मोड में डाल सकते हो। तो दोस्तों, मैं इसके अंदर आ चुका हूँ, और अंदर आते ही आपको सबसे खूब नज़ारा मिलेगा इसके स्टेयरिंग व्हील की, जो आपको अनरैप्ड है। आपको कोई रैपिंग नहीं मिलने वाली लेदर की, फिर भी इतना ज़बरदस्त सा ग्रिपिंग महसूस हो रहा है कि आप इसको जब होल्ड करोगे तभी आप इसको समझ पाओगे। टॉप मॉडल ही वाला मिल रहा है, बस फ़र्क इतना है कि ये रैप्ड नहीं है। ठीक है, किया कि यहाँ पे इम्बोजिंग मिल जाती है देखने को, एयरबैग की इम्बोजिंग मिल जाती है। बाकी ये इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। राइट साइड में इसके MID और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम को क्रूज कंट्रोल यहाँ से कर सकते हो। ये जो राइट साइड में लीवर है ये हेडलाइट का लीवर देखने को मिल रहा है, और लेफ्ट साइड में जो लीवर है वो आपको वाइपर के अंदर होने वाली है। ठीक है, इस वेरियंट में आप इसके इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट, इस वेरिएंट में आप इसके इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन को भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। काफ़ी अच्छा सा प्रीमियमनेस में काम करा गया है। ESP का बटन यहाँ पे देख सकते हो, ट्रैक्शन का यहाँ पे देख सकते हो, बाकी हेडलैम्प की लेबलर की प्लेसमेंट भी यहाँ पे देख सकते हो। ये आपको IMT रहने वाली है, क्योंकि IMT रहने वाली है तो IMT में आपको क्लच का काम नहीं देखने को मिल रहा है। बस इसमें काम क्या है, आपको गियर बदलना है और गाड़ी चलानी है। ठीक है, इसमें आपको 6-speed गियर बॉक्स मिल जाता है जो कि मैनुअल होने वाली है। 2 आपको यहाँ पे पैडल्स देखने मिल जा रहे हैं जो कि यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपको ब्रेक एंड एक्सीलेटर का रहने वाला है। ठीक है, जो आपका स्टेयरिंग व्हील रहने वाला है आपको यहाँ पे टिल्ट रहने वाला है, टेलीस्कोपिक नहीं रहने वाला है। जो क्लस्टर रहने वाला है ना, क्लस्टर आपको फुली डिजिटलाइज्ड मिल रहा है। लेफ्ट साइड में इसके यहाँ पे स्पीडोमीटर का वर्क देखने को मिल रहा है, राइट साइड में इसके RPM का मीटर देखने को मिल रहा है, TPMS का यहाँ पे शो कर रहा है। बाकी आपको फ्यूल का इंफॉर्मेशन, क्या एवरेज देगी क्या नहीं देगी, सीट बेल्ट लगा है कि नहीं, ट्रैक्शन ऑन है कि नहीं, सारा इसमें फंक्शन बताएगा। यहाँ पे इसके फ्यूल गेज को चेक कर सकते हो, और यहाँ पे इसके टेम्परेचर को भी चेक कर सकते हो। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ तो इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको कुछ इस टाइप का सेटअप देखने को मिल जाता है। आउटर बॉडी में ही आपको इसमें बटन्स का वर्क देखने को मिल जाता है। कनेक्टिंग फीचर्स की मैं बात करूँ तो कनेक्टिंग फीचर्स आपको AM/FM नेविगेशन
एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले ब्लूटूथ सारे कनेक्टिंग फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा सा वर्क देखने मिल रहा है। और यहाँ पे सेंटर में कंसोल की बात करो तो सेंटर कंसोल में दो एसी वेंट्स देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे हैजार्ड लाइट का भी वर्क देखने मिल जाता है, जो कि आप ऑन करोगे तो वो भी साथ साथ ब्लिंक होते रहेगा। एक मिनट मैं इसको ऑन करूँ तो इसको मैं एक बार आपको चेक करवाना चाहूँगा इसके एसी के डिस्प्ले की। तो यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का ऑन हो जाता है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, ये देखो कूलिंग तो भाई तुरंत एयर फ्लो बहुत अच्छा फेंक रहा है, ये स्प्रेडिंग अच्छा है। और यहाँ पे इस टाइप का डिस्प्ले मिल जाता है, बाकी आपको यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं फ्रंट के डिफॉगर के लिए, रियर के डिफॉगर के लिए, आपको यहाँ पे हीटअप के लिए, साथ ही साथ एयर आपको इंटेक की रोटेट करवाना है उसके लिए, फैन का फ्लो, एसी ऑन करना। नीचे जाऊंगा तो आपको तीन सॉकेट्स मिल जाते हैं 12 वोल्ट का, यूएसबी का और टाइप सी का, यहाँ पे स्पेस मिल जाता है उसको देखने को। और आउटर इसमें यहाँ पे फुली ग्लॉसी ब्लैक का टच भी देखने को मिल रहा है। एयर वेंट्स की मैं बात करूँ ना तो एयर वेंट्स आपको यहाँ पे इस टाइप का लुक देखने को मिल जा रही है, जिसकी आउटर बॉडी में आपको फुल्ली सिल्वर सैटर्न का वर्क देखने को मिल रहा होगा। डैशबोर्ड में जाऊंगा तो डैशबोर्ड में यहाँ पे इसके सब ऊपर को प्लेस करा गया है, कुछ इस टाइप का लुक दे रही है। और वहाँ पे इसकी एसी वेंट्स को चेक कर सकते हो, कुछ इस टाइप का। सीट की मैं बात करूँ तो सीट आपको फुल्ली कुशनिंग मिल रही है, अच्छा सा ज़बरदस्त। और ये जो वर्किंग देखने मिल रही है आपको फेदर के अंदर देखने मिल रही है, ग्रे, डार्क ग्रे और लाइट ग्रे के अंदर कम्बिनेशन में बहुत ज़बरदस्त ये खेल भी रही है। ठीक है, और ये कुछ इस टाइप का गियर नॉब रहा इसका, जिसकी आउटर बॉडी में यहाँ पे सिल्वर सैटन का भी वर्क देखने को मिल जा रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी सिल्वर सैटन का वर्क देखने मिल रहा है। बाकी यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि ग्लॉसी ब्लैक का टच यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, और यहाँ पे पार्किंग का बटन देखने को मिल जा रहा है। और जो आर्मरेस्ट रहने वाला है ये यहाँ पे प्लेस करा गया है, और ये रैप नहीं होने वाली, और ये भी ओपन हो जाता है और इतना स्पेस आपको ये बना देता है। सेंटर में आऊँगा तो दो आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, वन हैंड ब्रेक मिल जाता है जिसकी टेप आपको सिल्वर सैटन के अंदर होने वाली है। सनसेट की बात करूँ ना तो सनसेट आपको यहाँ पे ड्राइवर साइड में आपको टिकट होल्डर का देखने को मिल जा रही है, और को ड्राइवर साइड में यहाँ पे वैनिटी मिरर की देखने को मिल जा रही होगी। ठीक है, एलईडी का फोकस का लाइट देखने को मिल जा रहा है, और यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाता है, जो कि वन प्लस के साथ ये पीछे भी चला जाता है। ये देख लो, ये देखो, ये देख सकते हो वन प्लस से कितना इजीली ये पीछे जा रहा है विदाउट एनी रश, और ये उसी तरह से आगे भी आ जाता है। ठीक है, ये देखो, और ये कर्टन भी साथ ही साथ ये बंद भी हो जाती है। ठीक है, डैशबोर्ड में हो गया मैंने बता दिया, और ये रैप करा गया है क्योंकि इसके पीछे में आपको ग्लॉसी ब्लैक का टच देखने को मिल रहा है। ग्लव बॉक्स में आऊँ तो कुछ इस टाइप का आपको स्पेस बना देती है डॉक्यूमेंटेशन का, स्टोरेज का, और कुछ इस टाइप का आपको को ड्राइवर साइड में डोर पैनल्स का सेटअप देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसके रियर की रो में और बताते हैं कि किस टाइप का आपको नी रूम और लेग रूम ये प्रोवाइड करवा रही है अंडर थाई सपोर्ट के साथ में। तो दोस्तों मैं इसके रियर की डोर को पैनल को ओपन कर लिया हूँ, तो रियर के डोर पैनल में आपको क्या वर्क देखने को मिल रहा है। पहले तो बात, ये ऑल ब्लैक्ड आउट रखा गया है, अनलॉकिंग लीवर सिल्वर सैटल के अंदर होने वाली, पावर विंडो का सेटअप यहाँ पे, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे, और यहाँ पे 1 लीटर बोतल होल्डर स्पेस, यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स और सन ब्लाइंड के साथ में। ठीक है, कुछ इस टाइप का है। अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो ये भी ज़बरदस्त रहने वाली है। तो चलिए अंदर जाके बैठ के दिखाते हैं कि नी रूम किस टाइप का मिल रहा है, लेग रूम किस टाइप का मिल रहा है। तो ये कुछ इस टाइप का आपको लेग रूम मिल जा रहा है, नी रूम भी बहुत इनफ मिल रहा है, साथ ही साथ रियर की पैसेंजर्स का भी ख्याल रखा गया है। दो एसी वेंट्स प्रोवाइड करवा रही है, और चार्जिंग की भी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करवा दे रही है स्पेस के साथ में। छोटू सा हम्प है, वो उतना हडल नहीं करेगा आपको। ठीक है, रियर की पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए आपको यहाँ पे इस वेरिएंट में 3 पॉइंट सीट बेल्ट का काम देखने को मिल जा रहा है। रही बात इसके हेडरेस्ट की, वो आपको फिक्स्ड मिल रहा है इस वेरिएंट में। ठीक है, और अंदर से आप इसके क्वार्टर पैनल के ये चेक कर सकते हो, ग्रैब हैंडल्स की पोजीशनिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए इसके बूट को ओपन करके आपको चेक करवाता हूँ कि किस टाइप का आपको बूट स्पेस देखने को मिल रहा है।
तो आप इसको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जा रही है। साथ ही साथ इतना अच्छा सा बॉक्सी शेप में रखा गया है ना कि ज़बरदस्त ये स्टोरेज प्रोवाइड करवाने वाली है। बूट लैंप के साथ ये देखने को मिल जा रही है, साथ ही साथ यहाँ पे पार्सल ट्रे की भी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करवा दे रही है। ठीक है, इसके नीचे मैं देखूँगा तो इसके नीचे मैं आपको यहाँ पे स्टेपनी का वर्क देखने मिल जाता है जो कि स्टील रिम के अंदर होने वाली है। और रही बात इसकी प्रोफाइल की, तो प्रोफाइल रहने वाली है 205/65 R16 इंच की और ये स्टील रिम के अंदर होने वाली है। टूल किट के साथ में ये देखने को मिल रही है। रेक्टेंगुलर आपको रिफ्लेक्टर यहाँ पे प्लेस किया गया है। ठीक है, कुछ इस टाइप का आपको माहौल बना देती है। तो चलिए इसको बंद करते हैं और आपको इसके इंजन हुड को ओपन करके चेक कराते हैं कि किस टाइप का आपको इंजन का वर्क देखने को मिल रहा है। दोस्तों, मैंने इसके इंजन हुड को ओपन कर लिया है और इसके इंजन हुड को ओपन करते साथ सबसे पहले इसकी नज़र जाएगी ये टर्बो लिखा हुआ इंजन कवर के ऊपर और स्मार्ट स्ट्रीम का जी का आपको यहाँ पे इम्बोजिंग देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, कुछ इस टाइप का आपको लुक ये प्रेजेंट कर दे रहा है। रही बात इसकी बैटरी की प्लेसमेंट की, वो आप चेक कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे फ्यूज बॉक्स, ABS, EBD, वाशर फ्लूड, कूलेंट एंड ऑल सारा कुछ देखने को मिल रहा है। 1.5 लीटर आपको ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ टर्बो इंजन ये प्रोवाइड करवा रहा है। बाकी रही बात इसके इंजन की स्पेसिफिकेशन की, मैं आपको ऑन स्क्रीन ये प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और इस वेरिएंट में आपको इंसुलिन वर्क भी देखने को मिल रहा है जो, तो चलिए इसको बंद करते हैं, इसके सेफ्टी फीचर्स में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, बात करें इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो सेफ्टी फीचर्स तो आपको 6 एयरबैग देखने को मिल रहा है, आपको ABS, EBD, ESP, ESC, ब्रेक ऐसे सारे आपको फंक्शन एडवांस सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। और क्या चाहिए 6 एयरबैग के साथ में। और रही बात रियर की पैसेंजर्स की सेफ्टी की, तो रियर की पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पे 3-point सीट बेल्ट भी देखने को मिल जा रही है। और एडवांस फीचर्स में जाओगे तो आपको इस वेरिएंट से पैनोरामिक सनरूफ भी स्टार्ट हो जाता है। मैं तो कहूँगा ये आपको वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है STK प्लस। आप अगर या सेल्टॉस लेना चाह रहे हो और मनी भी सेव करना चाह रहे हो, सारे फीचर्स एड ऑन कराना चाह रहे हो, तो ये फीचर, ये जो गाड़ी है ना इस वेरिएंट में किया सेल्टॉस में STK प्लस, ये आपको वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है। तो कैसी लगे वीडियो आप लाइक करना, कमेंट करना, अगर चैनल पे न्यू तो जाके सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे चैनल पर। धन्यवाद।